एक ऐसी मूवी जिसका नाम सुनते ही दिमाग में शाहरुख खान का नाम दौड़ने लगता है और हमें शाहरुख खान सरसों के खेत में बाएं फैलाए हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की, जिसे कितनी बार भी क्यों ने देखो फिर भी मन नहीं भरता। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बिहाइंड द सीन, वो भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ। और हाँ, इस मूवी के अंत तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिल्म के सबसे फेमस सीन की, तो जब सिमरन के बाबूजी कहते हैं जहाँ सिमरन जी टेक लिया गया था और हर वक्त ट्रेन के आने का इंतजार करना पड़ता था, वैसे इसके लिए इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने 2 कैमरा से इस सीन को किया, और जिसकी बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख। इस ट्रेन वाली सीक्वल में ही एक और सीन ट्रेन की है जब शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में आते हैं, इस सीन का भी बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के सबसे खूबसूरत और यादगार सीन की, तो जहाँ पर शाहरुख खान सरसों के खेत में अपनी बाहें फैलाते हैं और यहाँ पर इस तुझे देखा तो ये जाना सनम सॉन्ग की भी शूटिंग हुई थी। वैसे इस सीन की शूटिंग हरियाणा के गांव में हुई थी, जहाँ पर धुएं की गैस छोड़कर और हवा चलाकर इस सीन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। वैसे इस सीन को करने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, वो इसलिए था कि शुरुआत में गांव के लोग अपनी खेत में शूटिंग करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने गांव वालों से शूटिंग की इजाजत ही नहीं लिए थे बल्कि गांव के सरपंच से लिए थे, और सरपंच गांव वालों को बोलना भूल गए थे। लेकिन जब शाहरुख खान ने गाँव वालों को समझाया तो वो समझ गए, क्योंकि शाहरुख खान ने उन्हें हरियाणवी में समझाया था, क्योंकि शाहरुख खान खुद दिल्ली से है इसलिए उन्हें हरियाणवी आती थी। मैं हूं जी, कुछ 150 साल तो मुड़े हो गए यहाँ पे। हाँ, 150 साल तो हो गए। तो दोस्तों अब आते हैं इस मूवी के अगले सीन पे, तो दोस्तों आपने यहाँ भी सीन देखा होगा जब शाहरुख खान और काजल बेड पे बात कर रहे होते हैं। वैसे तो यह सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था, मगर इस सीन को करने में काजल और शाहरुख को बार बार हंसी आ रही थी। तुम झूठ बोल रहे और दोस्तों इस फिल्म में एक और गाना था मेहंदी लगा के रखना, जिसमें काजल को कहा जाता है कि आप शर्मा जाना, तो जिसके रिप्लाई में काजल कहती है कि ये शर्मा क्या है, यानी कि काजल को शर्माना का मतलब नहीं पता था, इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने काजल के सामने बैठ के काजल को शर्माना सिखाया। वैसे आप इस गाने का भी शूटिंग देख सकते हो जिसमें काजल को कैसे शर्माते हैं वो सिखाया जाता है। तो दोस्तों अब आते इस मूवी के अगले गाने पे, जिसे आपने भी सुना होगा जो आके थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। वैसे दोस्तों इस फिल्म में एक और गाना है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, हो गया है जो तुझको प्यार सजना। वैसे अगर आपने इस गाने को ध्यान से देखा होगा तो इसमें जो बकरी थी उसे एक इंसान के द्वारा पकड़ कर रखा गया था, क्योंकि बार बार बकरी खेत की तरफ भाग रही थी, जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हो। दोस्तों अब आते हैं इस फिल्म के फाइनल सीन पर, जिसमें हमारे शाहरुख खान फुल ऑन एक्शन में होते हैं, और ये फिल्म की फर्स्ट और लास्ट एक्शन सीन भी थी, क्योंकि यह एक लव स्टोरी रोमांटिक मूवी थी इसलिए इसमें ज्यादा एक्शन नहीं दिखाया गया था। वैसे इसकी भी शूटिंग सीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें शाहरुख खान ढोलक की तरह सबको डमडमा देते हैं, और इस सीन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी ढोलक का ही था। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी का नाम 70s के दशक में आई एक गाने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लिया गया था, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस मूवी का बजट मात्र 4 करोड़ रुपए थी, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे 102 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिससे यह मूवी 90s के दशक की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। तो दोस्तों यह थी लेजेंडरी मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बिहाइंड द सीन और शूटिंग सीन। वैसे दोस्तों उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को कर दे लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।